नमस्कार दोस्तों, हिमाचली यूथ अड्डा में आपका स्वागत है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बीएड का जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का, वो पूरा हो गया है और काउंसलिंग का रिजल्ट भी आ गया है। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूज़पेपर्स में जो खबर आई है उसके हिसाब से 7,000 कुछ लोगों ने अप्लाई किया था काउंसलिंग के लिए और 4,000 कुछ जो हैं उनको कॉलेजेस अलॉट हो गए हैं। बाकी को कॉलेज अलॉट नहीं हो पाए क्योंकि जो उन्होंने प्रेफरेंसेस दी थी उन प्रेफरेंसेस वाले कॉलेजेस में या तो एकदम से सारी सीटें भर गई हैं या फिर कईयों ने सिर्फ 2-3 ही प्रेफरेंसेस दी थी या 3-4 प्रेफरेंसेस दी थी, जिसकी वजह से उन 3-4 कॉलेजेस में कोई सीट खाली नहीं रहने की वजह से उन्हें कोई नेक्स्ट कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया है। अब होगा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। जिनको सीटें मिल गई हैं उन्होंने क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। मेन तो मैं डिस्कस करूँगा शेड्यूल कि अब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कब होगा और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग कब होगा और मोपअप राउंड कब होगा। देखिए दोस्तों, पहले जो शेड्यूल आया था वो पहले पुराने हिसाब से था। अब क्योंकि रिज़ल्ट इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया टाइम से, 12 को 19 को डिक्लेयर किया था, जबकि सेकेंड राउंड जो है वो 18 से शुरू होना था। अब वो सेकेंड राउंड जो है वो थोड़ा लेट शुरू होगा और पहले मुझे शेड्यूल नहीं मिल पा रहा था। परसों मैंने वीडियो बनाई थी तो परसों इवनिंग को शेड्यूल आ गया था नया, पर मैं किसी कारणवश नई वीडियो नहीं बना सका आपके लिए। बट आज मैं आपके लिए वो डिस्कस कर रहा हूँ सारा शेड्यूल। आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट रखा है शेड्यूल का। शेड्यूल हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि कब सेकेंड राउंड का काउंसलिंग का होगा, कब थर्ड होगा और फर्स्ट राउंड वालों ने कब तक अपने जमा कराने हैं कॉलेजेस में जाकर के फीसें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मुझे पता है आप सबको सब कुछ पता है, बट फिर भी हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं या किसी चक्कर में ऐसे पड़े हैं कि हमें टाइम नहीं लगता अपडेटेड रहने का और हमसे जो है इम्पॉर्टेंट अपडेट्स छूट जाती हैं। इसीलिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको पता नहीं चलेंगे। बेल आइकन प्रेस करने के बाद जितनी भी वीडियोज़ मैं डालूंगा वो डायरेक्ट आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन बन के आ जाएगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं एकदम से। सबसे पहले तो बधाई जिनको अपना अपनी चॉइस का कॉलेज मिल गया है। बहुत सी क्वेरीज हैं कि हमें फ़र्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है वो हमें चाहिए नहीं था, हमें दूसरा राउंड कोई और कॉलेज चाहिए। तो आप सेकेंड राउंड में आप नए कॉलेज की प्रेफरेंस दे दीजिए, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अब आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेजेस में ले जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। ओरिजिनल ले जाइए, फोटोस्टेट कॉपीज ले जाइए, फोटोस्टेट के 2 सेट बना लीजिए, चाहिए तो एक ही बट आप 2 सेट बना के ले जाइए। सारे डॉक्यूमेंट्स 10th के, प्लस 2 के, ग्रेजुएशन के, पासिंग मार्क्स वाले जो पासिंग सर्टिफिकेट होते हैं वो भी ले जाइए अगर आपके पास हैं, प्लस मार्कशीट आप लेके जाइए, प्लस करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर के जाना है आपने, अपने कुछ फ़ोटोज़ रख लें। और अगर आपने कोई कैटेगरी क्लेम की है तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर के जाइए, ओरिजिनल भी और फोटोस्टेट भी, ये बहुत ज़रूरी है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, साथ में कुछ अमाउंट की फ़ीस वहाँ पर आपने देनी होगी। आई थिंक 5,000 है या कितना है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, वो फ़ीस आप वहाँ पे कीजिए। उसके बाद आप जबकि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आप ऑनलाइन पोर्टल जो है यही admissions.hpu, इस पे आपने जो है फ़ीस दे देनी है, जो भी बीएड की फ़ीस आपसे मांगी जाएगी, और उसके बाद आपका जो है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा। अब बात करते हैं उनकी जिनका फ़र्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमारा फ़र्स्ट राउंड में नाम नहीं आया है, क्या हमें सेकंड राउंड में सीट मिल सकती है? ज़रूर मिल सकती है दोस्तों। फर्स्ट राउंड के बाद अभी सेकंड होना है, फिर थर्ड होना है और फिर मोपअप काउंसलिंग राउंड होना है। हर बार मैं आपको बता दूं, हर बार बीएड के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं बहुत सी सीटें खाली रह जाती हैं, तो आपको सीट नहीं मिलेगी ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आपको सीट्स ज़रूर मिलेंगी, बहुत सी सीटें खाली रह जाएंगी, दूसरे में नहीं तो तीसरे में आपको सारा स्टेटस पता लग जाएगा, क्योंकि बच्चे मूव ऑन कर देते हैं यहाँ से वहाँ। तो सीट्स की चिंता आप मत कीजिए, सीट्स आपको मिल जाएंगी। अब बात करेंगे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कब होगा। तो ये शेड्यूल मैंने आपके सामने रखा है यहाँ पर। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है, 19 को इसका डिस्प्ले हो गया था। 20 से लेकर के 24 तक आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है कॉलेज लेवल पर, और सेकंड नंबर आपने जो काम करना है वो है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस आपने ऑनलाइन सबमिट करानी है। तो 20/7 से 24/7 तक तो बहुत कम समय रह गया है, जल्दी से अपने कॉलेज में विज़िट कीजिए। अगर आपने विज़िट नहीं किया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। उसके बाद है सेकेंड राउंड फॉर काउंसलिंग शेड्यूल।
तो जो सेकंड राउंड है काउंसलिंग का वो होगा, आपके साथ डिस्कस करते हैं, 26 से 28 तक। सेकंड राउंड में आपने 26 से 28 तक जाना है। अब आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करिए अपने स्टूडेंट लॉगिन आईडी से, वहाँ कॉलेज की प्रेफरेंसेस चेंज कर दीजिए क्योंकि वो कॉलेज तो भर गए हैं, आप दूसरे कॉलेजेस की दीजिए। अब जिसमें आपको सीट नहीं मिली वो तो भर गया, किसी और कॉलेजेस की चेंज कर दीजिए और वहाँ पर जा कर के जो भी है अपडेट कीजिए अपनी चॉइसेस को। उसके बाद जैसे आप पोर्टल पर जब आप विज़िट करेंगे आपको सब पता चलेगा आपके बारे में। उसके बाद जो है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिज़ल्ट आएगा। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिज़ल्ट जो आएगा वो आएगा 2 अगस्त 2019 में, आपको जो आपको कॉलेज एलोकेट हुआ है वो पता चल जाएगा। उसके बाद जिनको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिलेगी वो अपने जो भी कॉलेज उनको अलॉटेड है उस कॉलेज में जाइए 3/8/2019 से 5/8/2019 तक, मतलब 2 के बाद 3, 4, 5, 3 दिन का ही समय आपको दिया है, उसमें जाकर के आप जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दीजिए और फीस पे कर दीजिए। मान लीजिए किसी का सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी नंबर नहीं आता है तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी है। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है यहाँ पर 8 से 10 तक है, 8, 9 और 10 तक सिलेक्शन ऑफ कॉलेजेस एज पर कैंडिडेट प्रेफरेंसेस फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन फॉर थर्ड राउंड काउंसलिंग। थर्ड राउंड काउंसलिंग में आपने फिर से अपनी प्रेफरेंसेस अपडेट करनी है, जिन कॉलेजेस में सीटें नहीं रही हैं बच गई हैं उन कॉलेजेस में अप्लाई कर दीजिए और 10 तक होगा। 14th को आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, 14 अगस्त 2019 को इसका रिजल्ट आ जाएगा, आपको आपका एलोकेटेड कॉलेज मिल जाता है। अगर इन केस आपका उस राउंड में भी सिलेक्शन नहीं होता है किसी कॉलेज में तो फिर आप फाइनल राउंड काउंसलिंग, जिसे मोपअप राउंड कहा गया है, पहले इन्होंने कहा था अब इसको फाइनल राउंड काउंसलिंग इन्होंने बोला है, तो 26 से 27 तक चलेगा। 26-27 को 2 दिन मैनुअल काउंसलिंग होगी शिमला में HPU में, तो उसमें तो आपको सीट मिल ही जाएगी। हो सकता है नज़दीकी किसी कॉलेज में ना मिले, दूर के किसी कॉलेज में मिले। अगर आप एक्चुअली टीचर बनना चाहते हैं और सपना देखते हैं कि टीचर ही बनना है तभी आप बीएड कीजिए मेरे हिसाब से। ज़बरदस्ती अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका एक साल वेस्ट हो रहा है और साल वेस्ट नहीं होने देना है, बीएड में ही एडमिशन मिल ले लेते हैं कुछ और नहीं तो बीएड से ही, दोस्तों इस एटीट्यूड के साथ कभी बीएड मत करना। इंडिया में यही अप्रोच चलती है, हम सब की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है। दोस्तों थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कर रहा हूँ लेकिन ये सोचने वाली बात है, कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमें सोचना है। हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि दुनिया क्या कर रही है। सभी बीएड कर रहे हैं तो हम भी बीएड कर रहे हैं, सभी बीटेक कर रहे हैं तो हम भी बीटेक कर रहे हैं, सभी एमबीबीएस कर रहे हैं तो हमें भी एमबीबीएस करना है, सभी बैंक की नौकरी के पेपर भर रहे हैं तो हमें भी बैंक की नौकरी करनी है, ऐसा नहीं है। हमें इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना है। कुछ लोग घर वालों के प्रेशर में कीजिए तुम ये करो तुम वो करो, आप अपना इंटरेस्ट देखिए क्या आपको वाकई बीएड करनी है तभी आप बीएड कीजिए, नहीं तो इसके हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। बीएड की डिग्री तो आप कर लेंगे, कल को आप शायद टीचर का टेस्ट पास ना कर पाएं, या अगर आप मान लो टीचर का टेस्ट भी पास कर लेते हैं तो शायद आप अच्छे टीचर ना बन पाएं क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। आप पहचानिए आपका इंटरेस्ट किस में है, आप वो कोर्स कीजिए। ऐसे भीड़ में एक दूसरे के पीछे मत लगिए। आप ऐसा करके शॉर्ट रन में तो अपने घर वालों की वाह वाही कमा लेंगे कि हाँ जी हमारा बेटा ये कर रहा है, हमारी बेटी वो कोर्स कर रही है। अगर आपका मन नहीं है तो उस कोर्स को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सच में 10 मिनट बैठिए, शांत वातावरण में बैठिए, एकांत में बैठिए और सोचिए कि आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जस्ट दूसरों को खुश करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि हम ये कोर्स कर रहे हैं, आप कोर्स मत कीजिए। आप अपने मन की बात कीजिए। आप में से बहुत से लोग IAS बनना चाहते होंगे, बहुत से लोग HAS बनना चाहते होंगे, बहुत से लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते होंगे, बहुत से लोग अपना बिजनेस करना चाहते होंगे, बहुत से सपने होते हैं। कुछ लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग CGL करना चाहते हैं, कुछ लोग CHSL करना चाहते हैं, कुछ लोग स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हैं, तहसीलदार बनना चाहते हैं, नायब तहसीलदार बनना चाहते हैं और कुछ टीचर्स बनना चाहते हैं। तो जो आदमी का इंटरेस्ट जिस फील्ड में है ना, आप उस पेपर की तैयारी कीजिए, आप अभी से लग जाइए। बीएड आप इसलिए कर रहे हैं कि आपका एक साल वेस्ट हो जाएगा तो आप बीएड कर लेंगे, नहीं ये गलत है। कल को आपको सिर्फ बीएड करने के बाद एकदम से जॉब नहीं लगेगी, आपको और भी कई पड़ाव हैं जो पार करने पड़ेंगे, बहुत से टेस्ट देने पड़ेंगे। तो छोटी सी मैंने आपको एक लेक्चर टाइप दे दिया, आपको लग रहा होगा शायद कईयों को कि भाषण है, बट मुझे जो लगा जो रियलिटी है, सही गाइडेंस जो है मैं आपको वो देता हूँ। मेरे चैनल का मकसद है
आप लोगों को गाइड करना, हिमाचली यूथ को गाइड करना, इवन कोई भी यूथ है उसको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। एक ट्रेंड को फॉलो मत कीजिए, मेरे कहने का यही मतलब है कि एक जो होड़ लगी है उसे मत फॉलो कीजिए। अगर आपका मन एचपी पुलिस में जाने का है, आपका मन आर्मी में जाने का है, एयरफोर्स में जाने का है, नेवी में जाने का है, तो आप उन एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, अपने को समय दीजिए, एक साल भर रुकिए, घर वालों से बात कीजिए कि जी मुझे ये करना है और मुझे समय दे दीजिए पढ़ने का। आपके घर वाले कभी आपको मना नहीं करेंगे। जब तक आप नहीं बताएंगे आपको क्या करना है, तब तक घर वाले अपनी ही मर्ज़ी बताएंगे कि आप ये कर लो। आप एक बार स्टैंड लो, बताओ कि हमें ये कोर्स करना है, मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और आप हमें गाइड हेल्प कीजिए, तो घर वाले आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ऐसे ही दूसरों को देखकर मत कीजिए कि हाँ मेरा फ्रेंड इसमें बीएड कर रहा है तो मैं बीएड कर लेता हूँ। दिस थिंग शुड नॉट बी देयर। देखिए मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपको सही गाइड करना चाहता हूँ। अगर आपके मन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ आपने पूछना है आप पूछिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट से बाहर जा करके आप बीएड मत कीजिए, इससे बेरोज़गारी बढ़ती है, कंपटीशन भी बढ़ता है। जो कैंडिडेट डिज़र्व करते हैं टीचर बनना, जिन्होंने पहले से सपना देख रखा है, वो पीछे रह जाते हैं। आप ज़बरदस्ती किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे, ना आउटपुट नहीं आएगी और ना आपको संतुष्टि होगी। बाद में नौकरी करते वक्त आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कहाँ फंस गए। इसलिए जो आपका इंटरेस्टेड है, आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आप वो कोर्स कीजिए। मेरा कहने का यही मतलब है। डिसहार्टन नहीं होना है। जिनको बीएड में सीट नहीं मिली है उन्हें सीट मिल जाएगी। इस बार ना सही, नेक्स्ट ईयर से ही हम साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। सभी मन में बिठा के रखिए कि अब अगले साल के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देंगे। मन छोटा करके नहीं बैठना है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।